वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोमड लांबा। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं दिखलाने वाला हूँ प्रोसीडिंग्स ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इरोवा दिल्ली NCR। आइए मेरे साथ। अनुरोध है कि कृपया अपनी अपनी मीटिंग शुरू करने जा रही है। सारा जुम्मन, अब हम अपनी इरोवा की 35th एनुअल जनरल मीटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस मीटिंग, 35th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इरोवा। Before we go on to formally on the agenda points, I would like to bring out very briefly some of the highlights of the during the period between last AGM on 23rd September 2023 and the present AGM. जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले AGM और इस AGM के बीच में, वो मार्जिनल साहब के रिपोर्ट में है, पूरी तरह जल्द है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। लाइक मे बी फर्स्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट the meeting with the management. इस पीरियड में 22 फरवरी 2024 को हमारी मीटिंग, हम और हमारे रिजनल सेक्रेटरी भी, हम लोग कॉर्पोरेट ऑफिस आ गए हैं। जब देखा कि हमें मीटिंग का डेट नहीं मिल रहा मैनेजमेंट से, इतने लेटर्स लिखने के बाद भी, कॉन्टैक्ट करने के बाद नहीं मिल रहा था, हमने डिसाइड किया कि विल गेट क्रैश। सीधे चेयरमैन के यहाँ पहुंच जाते हैं, कहें आपसे मिलना है। चेयरमैन के सेक्रेटेरिएट के थ्रू चेयरमैन ने खबर भिजवाया कि हम EDHRIC से मिल लें, उसके मंडल से मिल लें। वो शायद कोई डेलीगेशन आया था, उनके साथ व्यस्त थे। हम दोनों ने मिला, दिस वॉज ए मीटिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सुमेर मंडल जी ने भी हमारी बातों को सुना, 8-9 पॉइंट हमारे पास थे जो शेयर किया। यह बात अलग है कि ये इस तरफा मीटिंग थी, हम ही अपने पॉइंट बोलने जा रहे थे, कुछ उधर से ऐसा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वी न्यू इट, EDHRIC के अपने लिमिटेशंस है, ही कैनॉट कमिट, ही कैनॉट गिव इट फॉर मेकिंग रिप्लाई टू ऑल आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। बट हमारे लिए मौका था कि हम अपनी बातों को सामने रखें। रखा, हम जानते हैं कि जो भी पॉइंट डिस्कस हुई है तो चेयरमैन से शेयर करेंगे ही करेंगे, उसमें डायरेक्टर के साथ होते नहीं थे। शेयर करेंगे तो हमारी बातें चेयरमैन के पास पहुंचेगी। तो उनके सौहार्दपूर्ण वातावरण से मेरी अनियमली उन्होंने हमें इंटरटेन किया। उसके बाद जो हमारी मीटिंग सुनी है, वो नए डायरेक्टर एचआर के आने के बाद 14 मार्च को नए डायरेक्टर एचआर आए, ज्वाइन किया। 18 मार्च को हम जनरल सेक्रेटरी साहब ने मिले, उन्हें फेलिसिटेट किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, अपने विशेष इरोवा के विशेष उनको दी। हम उनसे जब कहा था कि हम लोगों की स्ट्रक्चर मीटिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है। फिर कुछ दिनों तक उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं मिला। अगेन हम डायरेक्टर चाहते सेकेंड अप्रैल को मिले। सेकेंड अप्रैल को कहा कि हमें आपसे मीटिंग करनी है, हमारे इश्यूज पर बात करने हैं, अब नाउ यू आर इन पोजीशन। उन्होंने कहा कि हम आपसे मीटिंग करेंगे, डिटेल में मीटिंग करेंगे, एंड वी वुड लाइक टू गिव अ प्रेजेंटेशन टू यू। ये मीटिंग हमारी अप्रैल में होगी या मई के फर्स्ट वीक में होगी। और उस समय हमारी मीटिंग तय हुई थी, जिसके बाद जो मीटिंग तय जो हुई
that took place on 21st May, जिसमें एक रोवा के एग्जीक्यूटिव बॉडी के 8-9 मेंबर शामिल थे हमारी मीटिंग में और मीटिंग में इस मीटिंग में जितने डिटेल में चीज आए, क्या मैनेजमेंट की तरफ से प्रेजेंटेशन किया गया, क्या हमारे तरफ से प्रेजेंटेशन किया गया, या हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब की रिपोर्ट में है। उसी मीटिंग में इससे पहले कि हम अपने पॉइंट को फ्लैग करें, मैनेजमेंट वेरी एस्ट्यूटली श्रूटली अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि हमें यह मालूम है कि आप तकलीफ पे हैं, 12 साल से आपके टीआरएमएफ के अंदर रिवीजन नहीं हुआ है, एंड वी नो अ सेक्शन ऑफ पीपल आर नॉट द एंटायर बॉडी ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर्स, रिटायर्ड एम्प्लॉयज कम्युनिटीज, बट कुछ लोग हैं जो उन्होंने कहा 15-20% लोग हैं जो कि वाउचर बेस्ड रिइंबर्समेंट लेते हैं, वो तकलीफ में है। ये हमने एनालिसिस किए, स्टडी किया है, प्रेजेंटेशन के लिए वो दिखाया भी उन्होंने, इनके बारे में हमें कुछ करना है, रिक्वेस्ट करना है। दो घंटे की मीटिंग हुई और भी पॉइंट्स आए, बोला गया, और लेके जो आया वो रिपोर्ट में है, उन्होंने कहा था कि विल डू समथिंग ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ दी आफ्टर डीएस, इट विल टेक सम टाइम, रिटैक अगस्त महीना तक चलेगा, हमें अगस्त महीना आज अगस्त का आखिरी दिन है। फॉर्मली अभी तक वैसे कुछ मैनेजमेंट यहां से नहीं आया है, इसी बीच में रिवीजन ऑफ रेट्स मेडिकल रूल्स के अंदर जो है वो किया मैनेजमेंट ने किया, क्योंकि दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ टीआरएमएफ की है, तो उसका इम्पैक्ट टीआरएमएफ ये तो आ रहा है, बट हमें तो इंटरेस्ट अपने सिलिंग ऊपर करवाने का, हमें रिवीजन ऑफ रेट्स से उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना सिलिंग को एनहेंस करवाने का है, वो अभी तक नहीं हो पाया है। एंड इनफॉर्मली गैदर बड़े दूसरे चैनल से गैदर करने पर यह पता चला है कि इस पर काम पूरी तरह से चल रहा है, अभी फाइनेंस में है, बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं उसमें करने हैं, लेकिन वेरी शॉर्टली दे विल कंक्लूड द जॉब, और उसके बाद जो भी आउटकम है वो आउटकम बाहर आने वाला है, मे बी विद इन फ्यू डेज सम डेज द आउटकम विल बी आउट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ retired officers, retired employees community. दूसरा जो डेवलपमेंट इस दरमियान हुआ पिछले साल और इस साल में, वो बड़ी ही डैमेजिंग, डिलीटीरियस, वेरी हार्मफुल डेवलपमेंट था, वो था कि हम जैसे ही बीच कोई ऐसा क्रू रिटायर्ड एम्प्लॉई है जिसने सीबीसी में कंप्लेन कर दिया था इनोवा के अगेंस्ट, जगह के मारे कि युवा को क्यों इतना मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस दे रही है, उन्हें जगह देती है मीटिंग करने के लिए, और सारे कंप्लेन है, एडवर्टीजमेंट देती है, ये पैसा देती है, वो पैसा, झूठ सच लगा करके जो स्क्यूड कंप्लेन्स किया गया था, बहुत ही गलत सलत कंप्लेन किया गया था। सीबीसी में कंप्लेन जाने पर तो कोई कंप्लेन को छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने रेफर कर दिया सीबीओ आईओसी की सिर्फ की जाँच पूरी की जाए, जांच हुई, तहकीकात पूरी तरह से हुई, तहत तक हुई, कुछ नहीं पाया गया, फाइनल रिजल्ट हुआ, नो विजिलेंस एंगल वॉज फाउंड इन द रिपोर्ट इन द कंप्लेंट, द मैटर वॉज क्लोज, हमारे लिए तो क्लोज हो गया, लेकिन इसके जो इफेक्ट पड़े हैं वो फार्मिशिंग इफेक्ट पड़े हैं, और उसका असर आज भी हम आ रहे हैं। सीबीसी का कंप्लेंट में कंप्लेन होने से अब हमारे आईओसी के सर भी बहुत सर, हमने एक प्रिंसिपल पहले ही डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि बहुत सर रिटायर्ड एम्प्लॉय कोई हमारे सर्विंग ऑफिसर पर आँच नहीं आनी चाहिए, कभी आँच की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमने चाहते हैं कि आप आउट ऑफ डे हमारे लिए कुछ करें जिससे आप लिए परेशानी हो, भले ही हमारे पास फायदा हो, हमें नहीं चाहते, हम संतुष्ट हैं जो भी हमारे पास है उससे संतुष्ट है, बट वी विल नॉट डेराइव एनी बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय, ये हमारा पहले बोला हुआ। फॉर्चुनेटली सिर्फ विजिलेंस को इन्वेस्टिगेशन होने से होने के बाद सब कुछ तो बंद हो गया, आज नहीं आएगी क्योंकि कोई गलत चीज था ही नहीं, लेकिन उससे जो संबंधों में थोड़े दरार आए हैं, अब हमें हमारे मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल पर जो ऑफिसर्स विराजमान हैं उन्हें लगता है कि कहीं रोवा से इंटरेक्शन करने से फिर बिजनेस में पीछे पड़ गए, उन्हें वहीं खत्म नहीं हुआ, उस चलन के मारे वो
क्रूकेट एम्प्लॉय जिसे कभी माफ किया नहीं जा सकता भाई, दिस रिटायर्ड एम्प्लॉय रिटायर्ड ऑफिसर्स कम्युनिटी किसी भी समय माफ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने फिर कंप्लेन किया कि युवा को ऑफिस क्यों दिया गया। इस बेनेवोलेंट मैनेजमेंट ने 2012 में हमें ऑफिस अलॉट किया जीके वन में, जहां आज भी ऑफिस चल रहा है। दो कमरा है पूरा फ्लैट, लेकिन हमें दो कमरा दिया गया है, वही हमारे लिए। लेकिन इस एम्प्लॉय को बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमें क्यों मिले और क्यों हम वहां मीटिंग करें और क्यों अपनी ऑफिस चलाए, उसका अभी तक चल रहा है। मैनेजमेंट हैज यर टू टेक एक्शन ऑन दैट। सीबीसी कंप्लेंट हो गया, सीबीसी कंप्लायंस उस पर मांग। दिस इज समथिंग वी शुड ऑलवेज रिफ्रेन फ्रॉम। वी शुड नॉट थिंक इल ऑफ एनी अदर रिटायर्ड एम्प्लॉय, मोर सो अगेंस्ट द होल कम्युनिटी कि हमें डिस्टेबलाइज कैसे किया जाए। विल नॉट नेवर पार्ट द रिटायर्ड ऑफिसर्स कम्युनिटी विल नेवर पार्ट इन दैट पर्सन हू मेड दैट काइंड ऑफ कंप्लेंट। द इफेक्ट इज स्टिल फेस्टिंग, अभी भी इसका पड़ा हुआ है। अभी मैनेजमेंट से हमें भी वो सारी मदद जो पहले मिलती थी अब नहीं मिल पा रहा है। ये खासकर तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नहीं, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी में कुछ नए लोग आए हैं, उन्हें यह देखने को मिलेगा जो पहले पास्ट में शायद नहीं था। पुराने एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेम्बर्स जो कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हें तो मालूम ही होगा अंदर की बात, नए लोगों को ये पता चलेगा कि दे विल हैव टू फेस दिस हर्डल। दिस हर्डल इज नॉट फॉर द एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और इट इज अगेंस्ट देम, इट इज अगेंस्ट द एंटायर रिटायर्ड ऑफिसर्स कम्युनिटी जिन्हें कुछ पहले पहले न्यूज पेपर मिलता था। हमारे प्रति लोगों की सहानुभूति होने के कारण इस मैनेजमेंट ने दो तीन स्कीम बनाए फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस। 1985 में PRMS बना, 1987 में SAPL पाया, 2018 में फेलिसिटेशन अवार्ड स्कीम आया। And we will start indulging in this kind of notorious activity. Tomorrow we cannot expect any favor from management. And management will also like to do things which will upset the process of management. ये खास करके मेरे शब्द आने वाले दिनों के लिए हैं। Part our work for IRO Europe. That we should not allow. And we should identify such person who are black sheep amongst us and who are causing harm to the Iroha community. We must identify and expose them in public. उनको कुछ गेन नहीं हुआ, लेकिन हमें नुकसान करके उनको फायदा भी नहीं हुआ, वो कुछ नहीं रह सकते हैं। There's some points which I from the experience of last 2 years I wanted to share with you is that हमने मैनेजमेंट के सामने एक्स ग्राशिया स्कीम का भी पॉइंट रखा कि सारे रिटायर अभी आप एक्स ग्राशिया देते हैं लेकिन पार्शियल एक्स ग्राशिया देते हैं, फिर उन्हें से भी एक एक्स ग्राशिया अमाउंट में जो एडजस्टमेंट डिफरेंस होता है वो आप पेमेंट करते हैं। वी हैव डिमांडेड कि एक्स ग्राशिया शुड बी पेड टू ऑल द रिटायर्ड ऑफिसर्स इन फुल इन एडिशन टू SAPF annuity, whatever they are getting. It was not accepted by management, but it was not also totally rejected, summarily rejected. But apprehensions, which some time, आने वाली कमेटी, उसके बाद की कमेटी है इस मैटर को परसू करें विद दिस इशू एरिया विच यू ड्रिंग टेंजिबल बेनिफिट, सामने की बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन टू द रिटायर्ड ऑफिसर एंड हैज टू बी परसू। मे बी इट कैन बी फ्रेगमेंटेड, इसे फेजेस में मांग सकते हैं। जैसे अभी तक एक्स ग्राशिया 2006 तक के रिटायर्ड ऑफिसर्स को मिल रहा है, वी कैन प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इट टू 2016 तक जो रिटायर्ड लोग हैं, क्योंकि 2006 तक कुछ देने के लिए सरकार के लिए एक डिविजन ले आया है हम लोगों के बीच में। 2007 डिविजन एंड प्री 2000 डिविजन में फर्क हो गया, पेंशन का और ये बेनिफिट आ गया, इसलिए सरकार कुछ ज्यादा फिलान्थ्रोपिक और सिंपैथेटिक थी 2006
रिटायर्ड ऑफिसर्स तो उसके लिए कुछ दिया। एक्स ग्राशिया को 2006 तक मैनेजमेंट एक्सटेंड किया है। इन 2013 बाई सर्कुलर इन जुलाई 2013 नई कमेटी ये चाहे ये 2006 को आगे बढ़ा करके 2016 तक लाए। अब तक जो लोग रिटायर किए हैं दे शुड ऑल्सो गेट एक्स ग्राशिया बेनिफिट। दिस इज वन एरिया विच आई रिकमेंड द न्यू कमेटी टू परसू विद द मैनेजमेंट इन द डेज टू कम। देन देर आर अदर पॉइंट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। बहुत दिनों से बात चल रही थी, मैंने पहली मीटिंग में भी डायरेक्टर विचार के सामने रखा था जिसमें मिस्टर रंजन महापात्रा डायरेक्टर विचार थे। गेस्ट हाउस एंड हॉलीडे होम। हॉलीडे होम का सिंप्लीफिकेशन, प्रोसीजर का सिंप्लीफिकेशन अभी हाल फिलहाल मैनेजमेंट ने कुछ किया है, लेकिन हमारा ये पैसे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन और प्रोसीजर नहीं था, वो भी था क्योंकि उनकी बुकिंग में बड़ी सारी दिक्कत हो रही थी रिटायर्ड ऑफिसर्स को, उसके लिए भी था। बट आवर मेन इम्फेसिस ऑन गेस्ट हाउस एंड दिस आर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर एंड सम स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर रिटायर्ड ऑफिसर्स। सभी एम्प्लॉय गेस्ट हाउस के किराए दे सकते हैं 280-300 रुपए के लगभग, जीएसटी एंड ऑल दैट। रिटायर्ड ऑफिसर से इतने पैसे लेना, रूम रेंटल लेना कुछ ज्यादा दिखाई देता है। We wanted to special favor from management to reduce it for the retired officer, and they are not often using. हम गेस्ट हाउस से हॉलीडे होम बराबर की यूज करते थे, कभी कभार जरूरत पड़ जाती है करते हैं। हॉलीडे होम का भी रेट इतना हाई हो गया, इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स हो गया है, इसे भी हम चाहते थे कि इसे मैनेजमेंट और रिटायर्ड ऑफिसर्स कम्युनिटी इश्यू करेंगे काम। इसी तरह अपने इस दौरान में ही हमने कुछ सजेशंस मैनेजमेंट को दिए थे। लास्ट ईयर आई रिमेंबर मई की मीटिंग में हमने दिया था 16 पॉइंट सिंप्लीफिकेशन इन द मेडिकल रूल्स स्पेशली फॉर द रिटायर्ड ऑफिसर्स। उस पर मैनेजमेंट अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने वेलकम किया हमारे सजेशन को कि आप भेजे हमें सजेशन दें, अगर वो एक्सेप्ट करती है मैनेजमेंट को एनालिसिस करती है करके रिस्पॉन्स देती है चेंज करती है, दिस विल बी रिलीफ टू द ऑफिसर्स नॉट ओनली ऑफिसर्स द एंटायर रिटायर्ड एम्प्लॉयज कम्युनिटी। इसमें एक बड़ी सिग्निफिकेंट पॉइंट हमने वही रेस किया था कि 15% जो हमसे रिकवरी किया जाता है इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन नॉन स्पाइट पेमेंट केसेस, उसको वेव किया जाए, 15% हटाया जाए। दैट इज ऑल्सो अंडर द एक्टिव कंसिडरेशन इन केस अगर डिविजन जो होने वाला है उसमें 15% वाला इशू एड्रेस नहीं किया गया, वी शुड बी परसूड बाई द एग्जीक्यूटिव कमेटी इन फ्यूचर विद द मैनेजमेंट। विद दीज फ्यू वर्ड्स एंड थॉट्स वील नाउ कम बैक टू शेड्यूल्ड एजेंडा आइटम्स। I will now, according to agenda before you, I request. First is a confirmation of the minutes of the last AGM, 23rd September 2023. I believe all of you must have read it, the minutes you must have read it. So shall I take it as confirmed by the honorable members? Take it as confirmed. Second is to receive and adopt General Secretary's report. I have requested General Secretary to present his report before this August meeting. General Secretary. Thank you, Dr. Ji. सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और इनोवा की तरफ से आज उपस्थित मेंबर्स की को बहुत वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करिए। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप आपके पास काफी पेंसिल दी गई है इसमें लिख लीजिए, बजाय बीच में बोलने के आप लास्ट में हमने टाइम रखा हुआ है उस समय में आप हमसे आपकी रिपोर्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले एक साल में हमारे कुछ इसी मेंबर्स की मृत्यु हो गई थी। उनके जो चार हमारे इसी मेंबर्स, एक तो यूके दीक्षित साहब थे जो हमारे नोएडा सेक्टर के पैसल थे, दूसरे मिस्टर के सी गुटी राजा थे जो हमारे इनोवा के काफी अच्छे मेंबर थे,
मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे। तीसरा मिस्टर ए एम माथुर, उनकी भी डेथ हुई लास्ट ईयर, वो भी हमारे ईओवा के मेंबर थे, ईओवा के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे। और मिस्टर एन सी अग्रवाल हमारे कन्वीनर थे जयपुर के। ये चार जो डायरेक्टली हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी से कनेक्टेड थे। और इसके अलावा हमारी काफ़ी ही मेंबर्स की मृत्यु भी पिछले एक साल में हुई है। हम सबके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं जो आपको बताऊंगा कि 2023 की सितंबर की मीटिंग के बाद और आज के तक जो काम हुआ है शॉर्ट में, मतलब काफ़ी कुछ तो उन्होंने बता ही दिया आपको, मगर फिर भी मैं थोड़ा सा अपनी रिपोर्ट में मैंने लिखा हुआ है। और ये रिपोर्ट हमने वेबसाइट पर भी डाल दी थी और अब सारे ग्रुप्स में डाल दिए हैं। और इसकी हम एक्स्ट्रा कॉपी भी लाए हैं, जो लेना चाहे तो क्यों नहीं, अकाउंट की कॉपी भी है और हमारी जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट भी है। अब मैं मेन मेन पॉइंट आपको सर बताने इसलिए चाहता हूँ कि देखिए हम सब एजिड हो गए हैं, सुपर सीनियर और सीनियर सिटीजन हैं, तो हमारे बस का मोबाइल में पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना इतना आसान होता है और इवन हार्ड कॉपी से भी पढ़ना जो डिफिकल्ट लगता है। तो इस वजह से ही मतलब मैं ये फॉर्मेलिटी करूँगा, कहते मैं बताना चाह रहा हूँ आपको सर, मेन तो पढ़ कर करूँगा, बाकी डिटेल में आप हमारी रिपोर्ट कभी भी पढ़ सकते हैं जो अवेलेबल रहेगी हमेशा हमारे वेबसाइट पर। फॉर्चुनेटली टू अवर गुड लक, मार्च 2024 में अब डायरेक्टर एचआर का अपॉइंटमेंट हो गया है और उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। तो स्ट्रक्चर मीटिंग हमारी हुई 21 मई को हुई थी। आप सोचिए जो 12 साल पहले लिमिट सेट की गई थी उसमें ऐसे कैसे गुजारा चलेगा, मगर साथ में उसको उन्होंने ये भी बताया कि आप ध्यान रखिए हमारी 2012 की लिमिट अभी भी ऑयल पीएसयू में सबसे बेटर है। बीपीसी ने पिछले इसी 2024 के अप्रैल में रिवीजन किया है, वो रिवाइज्ड लिमिट्स भी हमारी 2012 की लिमिट से कम है। आपको सुनकर अचंभा लगेगा मगर ये फैक्ट है। आप सबने देखा वो सर्कुलर जो बीपीसी का सर्कुलर बहुत बहुत ज्यादा लोगों के अंदर भेजा गया था, ये सोच के कि शायद बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने बीपीसी ने, मगर आप उसको सर्कुलर दोबारा पढ़िए, उनकी जो लिमिट्स रिवाइज हुई है अभी 2024 में वो हमारी 2012 से भी कम है। ये डायरेक्टर एचआर के स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया वहां पर हम सब के साथ। एनी हाउ शी नेवर सेड दैट वी विल नॉट डू एनीथिंग। जब हमने ये उनको कहा कि मैडम 2012 में भी कोई मैनेजमेंट ऐसा था उसने सोचा था और उसी सोच में ये लिमिट बनाई थी, तो उस लिमिट को आप आज हमें क्यों दिखा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं ये नहीं कह रही कि हम नहीं पढ़ाएंगे, इस लिमिट को पढ़ाएंगे, मगर मैं बताना चाह रही हूँ कि 2012 में भी जो हमने सेट की थी लिमिट वो अभी दूसरी ऑयल कंपनी से बेटर है। तो उस पर काम कर रहा है, जब योजना जी ने बताया कि अभी कुछ दिनों की ही आप समझिए मेरी ये वीक और सो डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकता, मगर बहुत ऊपर तक वो काम शुरू होके चला गया है और बहुत जल्द ही आपको अच्छी खबर मिलेगी। डायरेक्टर एचआर ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट हमसे किया, जब हमने ये कहा कि देखिए जो आपने जो सेल्फ सर्टिफिकेशन की लिमिट नहीं बढ़ा रहे हैं, इसमें बड़ी परेशानी हो रही है, इमीडिएटली सेट कि आपको किसने कहा कि सेल्फ सर्टिफिकेशन पे रुकिए, आप कन्वर्ट कर लिए ना अपने आपको, आप सेल्फ सर्टिफिकेशन पे इससे हटके आप एक्चुअल वाउचर्स पे जाइए तो आपकी लिमिट अपने आप ही बढ़ गई। और उन्होंने हमें स्पेशली ये रिक्वेस्ट किया कि आप अपने सारे मेंबर्स से ये कहिए कि वो कन्वर्ट करें अपने आप को, आप सिर्फ एक सहूलियत की वजह से आप क्यों अच्छे पड़े हैं, किसी की 35,000 लिमिट है, किसी की 25,000 है, 27,000 है, जो भी लिमिट है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड, उस लिमिट पे क्यों रुके हुए हैं, तो उस लिमिट को पार करिए। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ग्रेड एच की मान लीजिए लिमिट 35,000 रुपये थी,
और अगर आप वाउचर बेस पे जाएंगे तो 99,000, तो ये गैप 35,000 और 97,000 में इस्तेमाल करिए ना, तो ये भी अच्छी बात है। तो पूर्व जी ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि कोई भी ऑयल कंपनी में सेल्फ सर्टिफिकेशन पे के बेसिस पे पेमेंट नहीं होती है। सिर्फ इंडियन ऑयल है एक कंपनी ऑयल कंपनी में जिसके यहाँ ये चलन शुरू हो गया था कि आप सर्टिफाई करिए 35,000 रुपये जिसकी जो डेबिट है वो ले लीजिए। तो इसलिए प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से है कि इसको हटाइए, मगर हम हटाने रहे, मगर इसको आगे इम्प्रूवमेंट करता कोई चांस नहीं है। आप बिल्कुल समझ लीजिए इस बात को कि सेल्फ सर्टिफिकेशन की लिमिट कभी नहीं बढ़ेगी, आज की कभी भी नहीं बढ़ेगी। उन्होंने ये कहा कि शी वॉज वेरी वेरी सी एम्फेसाइज सो मच कि आप इस लिमिट को भूल जाइए, जो लिमिट बढ़ेगी वो बढ़ेगी वाउचर बेस्ड ट्रीटमेंट। तो इसलिए जो जो भी हमारे मेंबर चाहते हैं कि भाई हमारा खट्टा नहीं बनता इसमें, तो उसको इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाना चाहिए। उन्होंने दूसरा ये भी कहा कि आप ठीक है, पिछले अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि 2 साल में एक बार ये अलाउ होता है अप्रैल के महीने में, और 30 दिन आपको सिर्फ मिलते हैं अपने को चेंज ओवर करने का, और वो चांस की बात है, ये इस अप्रैल में खत्म हो गया। हमारी मीटिंग मई में हुई थी, तो जब हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जब मेडिकल की आपकी लिमिट बढ़ाएंगे तो आपको सफिशेंट टाइम देंगे कि आप अपने आप को चेंज ओवर कर लीजिए। और उस चेंज ओवर करने के लिए लोगों को ये गलतफहमी है कि कोई आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कोई दवाई दिखानी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ा, आप खुद सिर्फ ई संबंध में डाल दीजिएगा, वही सफिशियंट है, आपको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे आप। और आप अपने दोस्तों को भी बताइए ये बात जो यही है यहाँ पर कि वो चेंज ओवर कर ले, उसी में फायदा है, क्योंकि ये जो सेल्फ सर्टिफिकेशन वाली लिमिट कभी नहीं बढ़ेगी, उसके बाद कोई भी अगर मेंबर जी कहता मेरा गुजारा नहीं करता तो कोई फायदा नहीं है। हमने एक दूसरी रिक्वेस्ट उनसे ये की थी कि जो आप तो लिमिट बढ़ाने की बात कर रही हैं, तो आप मेहरबानी करके इसको पिछले ब्लॉक ईयर से बढ़ाइए। मतलब हमने ये कहा कि 22-24 का जो ब्लॉक था जो खत्म हो गया है आप उससे बढ़ाइए। तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि भाई ये ब्लैक डेट से नहीं हो सकता है, ये आगे के बाद ही होगा। मगर जब हमने उनको ये समझाया कि मैडम कुछ हमारे ऑफिसर ऐसे रहते हैं जिनके बहुत हैवी बिल्स होते हैं, और अप्रैल के महीने में वो सारे हैवी बिल्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो अगले साल में देते हैं और शुरू में ही वो सारे लिमिट खत्म हो जाती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे 5-7-10 केसेस जो भी अगर होंगे या जितने भी केसेस देखे तो हम इंडिविजुअल केसेस को रिव्यू करेंगे और जरूरत पड़ी तो सभी एक्शन लेंगे। आप सब लोगों को ये पता होगा कि ये 30% रिटायरमेंट बेनिफिट का जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू की, इस पर हमारी काफी बहस पहले भी हो चुकी थी, पहले डायरेक्टर एचआर से भी हुई थी और इनसे भी हुई, 1-to-1 मीटिंग में भी हुई और उस मेन मीटिंग में भी हुई। हमने यही उनको बताया कि मैडम एक चीज बताइए कि हमारा जो जब हम इंडिया ज्वाइन करते हैं तो हमारा बेसिक देखभाल कौन करेगा, इंडिया करेगा ना। उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा कि ये जो 30% रिटायरमेंट बेनिफिट है इसमें तो सारे जो पैसा दे रहे हैं सर्विंग ऑफिसर दे रहे हैं, तो सर्विंग ऑफिसर हमारा मेडिकल से क्या लेना है। उन्होंने शी वॉज डेफिनेटली शी नेवर थॉट ऑफ दिस, बट हम जब ने उनको समझाया, अरोड़िया जी ने बड़ा डिटेल में बताया उनको कि देखिए हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, जैसे मैं अपना ही केस लेता हूँ, मैं 2004 में रिटायर हुआ, 69 में मैंने ज्वाइन किया, जब 69 में ज्वाइन किया तो मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में ये सब चीजें थी, या उस टाइम सर्विस कंडीशन थी कि रिटायरमेंट तक अगर आप रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद आपकी जो आपकी और आपके डिपेंडेंट मेंबर्स की मेडिकल नीड्स इंडियन ऑयल टेक केयर करेगा, तो अब आप क्यों कहते हैं कि ये सर्विंग ऑफिसर करेगा।
तो ये भी हमने कहा है, मगर उन्होंने कहा कि ये देखिए दिस इज ए गवर्नमेंट डायरेक्टिव एंड दिस कंपनी बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मगर फिर भी उन्होंने बताया कि एक कमेटी बनी हुई है सारे पीएसयूज की, वो इस पे काम कर रही है, वो भी कमी से इस बात से कि भाई कम से कम जो 2006 तक का मान लीजिए मैं केस ले रहा हूँ ये, कि 31/12/2006 से पहले जो रिटायर हुए थे उनके तो अपॉइंटमेंट लेटर सर्विस कंडीशन अलग थी, आपने रिवाइज किया बाद में, तो बाद के लोगों को आप लगा सकते हैं, मगर उससे पहले के जो लोग 2006 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनका तो सारा आप मेडिकल बेनिफिट अपने दीजिए, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल नहीं पैसा, इसको 30% रिटायरमेंट बेनिफिट में क्यों लग रहे हैं। तो देखिए एक बीज तो बो दिया गया है, अब उसका फल कब मिलेगा देखना पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जैसा कि रोनिया जी ने कहा था कि कंप्लेंट के बाद इंडियन ऑयल ने हमें अपनी इंडियन ऑयल की वैल्यू देना बंद कर दिया, कंप्लेंट के बाद सारे लोगों ने अपना हाथ फेंक दिया, नई कमेटी जो आ रही है फॉर्चुनेटली सारे ही ऐसे लोग हैं जो पुराने हैं और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इलोवा में, तो मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा और हमारे रिटायर्ड ऑफिसर को हटने का बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद। उसका विवरण आपके सामने रखा हुआ है, आपने इसे कलेक्ट किया और दिया भी होगा, तो बीजेपी के IROBF, as you know, is part of broader IROBA only. It has only 4 agenda and limited scope. अब आप लोग यहाँ आए तो मैं दो तीन बात कहना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारी जो मेंबरशिप है मुझे नहीं समझ में आता है कि इतनी कम क्यों है। अगर एक जनरल फिगर ली जाए, मैं किरोनियर साहब से बात कर रहा था कि 14,000 रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं आयुष ऑफिसर्स और जो मेंबरशिप है वो 6,000। क्या ऐसी वजह हो सकती है कि रिटायरमेंट के बाद लोग इंडियन ऑयल के जो ये एक ही रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है उसके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते, और पर्टिकुलरली यंगस्टर्स हम देखते हैं कि जो अब रिटायर हो रहे हैं लोग उनमें काफ़ी नॉमिनेशंस कम आ रहे हैं। फॉर्चुनेटली कह लीजिए या अदरवाइज आई वॉज द वन ऑफ द यंगर मेंबर ऑफ द टीम हियर, और मैं भी ये फील करता था कि यंगस्टर्स को सामने आना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि यंगस्टर्स जो है वो रिसेंटली रिटायर्ड होते हैं और उनके मैनेजमेंट से कॉन्टैक्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब जब मैं रिटायर हुआ था तो मोस्टली मेरे कुलीग्स जो थे वो सेम ग्रेड में थे या एक साल आगे रिटायर हो रहे थे, तो थोड़ा बातचीत करने में ज़्यादा फ्रीडम रहती है। एज यू ग्रो ओल्डर आपके कुलीग्स जो है वो भी रिटायर हो चुके होते हैं, तो मैनेजमेंट में आपका एक तरह से कहा सुनी कम हो जाती है। तो मैं सबसे यही दरखास्त करूंगा कि जितने भी आपके यंगस्टर्स हैं कुलीग्स हैं दे शुड जॉइन दिस ग्रुप, और मैनेजमेंट स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करता है ये हमें याद रखना चाहिए। अगर ये 6,000 की स्ट्रेंथ 12,000 होती तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड कुछ और होता, मेरा अपना ये मतलब है। जब मैनेजमेंट भी ये देखती है कि इनकी टीम की स्ट्रेंथ ही नहीं है कुछ, तो हमारा थोड़ी वीकनेस हो जाती है उसके लिए, और तो नई टीम के लिए शायद एक बड़ा फिर से चैलेंज रहेगा कि कैसे हम अट्रैक्ट करें, क्या ऐसी चीज़ नहीं करें कि सारे लोग मेंबर्स बने। कंपल्सरी तो नहीं कर सकते, आई थिंक ऑफिशियली कोई भी ऐसी चीज़ कंपल्सरी नहीं की जा सकती, लेकिन ना ज्वाइन करने की भी वजह नहीं, क्योंकि इसकी फीस बहुत नॉमिनल फीस है, वन टाइम हो, और बेनिफिट्स आप लोग देख ही रहे, मिलना हो जाता है सब, और आपके इश्यूज रेज हो सकते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट और हेल्प होती है, सबसे बड़ा फायदा मैं ये समझता हूँ। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जैसा आप जानते हैं IROBF का रोल लिमिटेड होता है, कोई डिस्ट्रेस में अगर ऑफिसर है और उसको कहीं से मदद नहीं मिल रही है तो हमारे पास जो थोड़ा बहुत रिसोर्सेज है उसे हम वन टाइम बेसिस पे तो 30,000 रुपीज उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो जो इस तरह के केसेस आते हैं IROBF के सामने, कमेटी पॉलिसी के अनुसार उस पर डिसीजन देती है और उसको ये हेल्प वगैरह कराया जाता है। बहरहाल ये तो बाद में एजेंडा से हटके कह लीजिए कुछ हद तक,
अब जॉइंट मिनट्स तो बने थे इनोवा और आईआरओबीएफ के साथ बनते हैं, इट वॉज टेबल्ड और मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने उसे पढ़े होंगे और जो अपलोड भी किए गए हैं साइट पर और आई विल कंसिडर दैम एज अप्रूव्ड। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यंगस्टर्स पता नहीं क्यों इनोवा से उतना अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, ये चीज़ बड़ी एक तरह से समस्या भी है और हम लोग चाहेंगे कि सब लोग हम कोशिश करें कि मैक्सिमम मेंबर्स बने, उससे फंड्स भी आएंगे इनोवा में, वी बी एबल टू ऑर्गेनाइज बेटर, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं आप लोग शायद जानते होंगे, वो जो कंट्रीब्यूशन कुछ हमारी जो सर जो आती है हमारा क्या न्यूज़ लेटर आता है उसमें कुछ एड्स वगैरह लोग दे दिया करते थे, कुछ लोगों को उसमें भी दिक्कत आई थी, जैसा कि गुप्ता साहब ने पहले बोला था कि कंप्लेंट में शायद ये भी एक पॉइंट रेज किया गया था कि क्यों लोग हमारी जो न्यूज़ लेटर है उसमें जो ऐड देते हैं उससे जो हमारे थोड़ा रिसोर्स में हेल्प मिलती थी। खैर मैं समझता हूँ कि एक न्यूज़ लेटर के बारे में और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारा न्यूज़ लेटर आता है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें अपना एक्सपीरियंस, जिससे कि वो न्यूज़ लेटर थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, मे बी वी कैन ऐड अ फ्यू मोर पेजेस और वो बात सर्कुलेट दोनों तरह होता है, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, जिन्होंने हार्ड कॉपी की रिक्वेस्ट कर रखी है उन्हें हार्ड कॉपी भेजी जाती है, बट टू सेव चार्जेस प्रिंटिंग चार्जेस एंड डिस्पैच चार्जेस हमारी कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम लोग उसे ऑनलाइन क्योंकि मेल जो उन्होंने एड्रेस दे रखा है उससे पढ़ लें और वो मेरे हिसाब से सेव भी रहती है, अगर हार्ड कॉपी है वो थोड़े दिन बाद रद्दी में चली जाएगी, उसका मेरे हिसाब से और कोई यूज नहीं होगा। विद दिस आई हैंड यू ओवर टू फॉर द सेकंड एजेंडा। और अप्रूव करवाए गए थे उनको इम्प्लीमेंट करा जा रहा है, जिसमें एक मेन तो यही है जिसमें तो इरोवा में भी और आईआरओबीएफ में भी कोई भी ऑफिस बेयरर नहीं बन पाएगा अगर वो सुपर एंगेंट नहीं किया हो इंडियन ऑयल से, आईबीपी से या बीआरपी। दूसरा अमेंडमेंट ये है कि 1 अक्टूबर से इरोवा की मेंबरशिप और आईआरओबीएफ की मेंबरशिप रिवाइज की जा रही है आफ्टर ए डिकेड और सो, इट विल बी नाउ ऑनवर्ड 3,000 rupees फॉर आईआरओ इरोवा एंड 1,500 फॉर आईआरओबीएफ। दिस विल टेक केयर ऑफ द फंड क्रंच एंड द राइजिंग कॉस्ट मोर सो बिकॉज ऑफ द नॉन इंटरेस्ट ऑफ द रिटायरीज टू ज्वाइन दी। और उसमें आईआरओबीएफ में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नहीं कहना चाहूँगा, जो हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसी से हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं अभी तक, और इसका तो बाई चांस को आपका एप्लीकेशन आईडी एक ही एप्लीकेशन आई थी 30,000 रुपये हमने उसको दिया और इंटरेस्ट सारे हमने डिपॉजिट में कर दिया, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। यानी टिकट अकाउंट अप्रूव। यस नाउ द फ्लोर इज ओपन। आपको मैं बताना चाहूँगा अपने खर्चों को ऑप्टिमाइज करके अपनी इनकम को बढ़ा के, जैसा आपने बताया कि हम लोगों ने एफडी ले ली है, तो जहाँ जहाँ हमें लगता है कि एफडी कम रेट पे है तो हम उसको कोशिश ये करते हैं कि उसको विड्रॉ करके फिर नए रेट में लगाए, तो पिछले 7 लाख रुपया एडिशनल बजट करके हमने एक और नई एफडी ली और उससे पिछले साल 10 लाख इनोवा ही बता रहा हूँ, तो 10 लाख पिछले साल और 7 लाख इस साल 17 लाख रुपया जनरेट किया है इस एफडी कमेटी ने इनोवा में, और ऐसे ही आईआरओ 7 लाख हमने आईआरओबीएफ में किया, दैट टोटल इस कमेटी के टाइम में 2 साल में 24 लाख रुपए की वृद्धि हुई है हमारी इनकम टोटल इनकम। टाइम ऑफ और उसी टाइम जैसे उसका रिटायर होता है डिफरेंट फॉर्म भरता है उसी टाइम उसको
अच्छी बात कही है, बहुत सही बात की है, और आपने वही बात कही जो पहले हो रहा था। मुझे भी याद है मेरा रिटायरमेंट इन 2011, रिटायरमेंट के एक दो दिन पहले कुछ लोग मेरे पास आए, फॉर्म लेके आए कि सर इसे साइन कर दीजिए, भर के साइन कर दीजिए, थोड़ा चेक भी दीजिए। हो देयर वर कमिंग पीपल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग एम्प्लॉय जो इरोवा के प्रति सहानुभूति और कमिटमेंट रखते थे, वहाँ के साइन करवाया, चेक लिया और उसके बाद इरोवा के अधिकारी होंगे उनको हैंड ओवर कर दिया। आज वो नहीं है, उसे फिर से शुरू करने की जरूरत है। वो सिस्टम जो आप बता रहे हैं उसे फिर से शुरू करने की जरूरत है। उस समय पहले तक ये चल रहा था, लगता बीच में बंद हो गया। ये आपका जो सजेशन है बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी जो नई कमेटी बनने जा रही है कि आईओसी के मैनेजमेंट से बात करके ये फॉर्म वहीं उन्हीं फॉर्म में डलवा दिए जाए ताकि उसी टाइम भर दिए जाए। 5,000 रुपया 4,000 रुपया तो बहुत बड़ी बात नहीं है किसी भी ऑफिसर के लिए, मगर वो इस टाइम रिटायर हो रहा है उसी टाइम अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया है। आप बेझिझक करके कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई इनकन्वीनियंस भी होगा तो भी कोई बात नहीं है। जो सवाल जवाब पाएंगे तो देंगे, नहीं दे पाएंगे तो बताएंगे, लेकिन बाद में मिल जाएगा। हमारा कैबिनेट हुआ था एलआईसी से, उस टाइम कुछ हमारा पैसा एम्प्लॉय का पैसा उस मैनेजमेंट का पैसा लगा के वो एलआईसी को दिया गया। फॉर एग्जाम्पल मेरा 11,05,000 रुपये जमा है एलआईसी में, और मुझे पिछले 22 साल से 5,000 रुपये मिल रहे हैं, जबकि उस टाइम 11,00,000 पे जो रैंक पुष्टि होता था 13% देता हूँ, और मेरा 5,50,000 जो आज तक कायम है। अगर उससे कुछ कर सकते हो मैनेजमेंट मुझे ताकि, क्योंकि ये सिनेरियो चेंज कर चुका है। जिस समय आप रिटायर किए थे, हम रिटायर किए थे, उस समय एक ही कंपनी से एनुइटी खरीदी जाती थी एलआईसी से, बट नाउ डिफरेंट बैंक्स भी हैं जिसे कंपनी ऑप्शन देती है, जो लोग खरीद सकते हैं एनुइटी वहां से। ये इशू हमारी नई कमेटी मैनेजमेंट से टेकअप कर सकती है कि पुराने जो एलआईसी के हैं 6% इंटरेस्ट जो देता है एनुइटी पर, 6% है सिर्फ एलआईसी का, उसे आज बंद करके वेदर हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज दूसरे बैंक से ये एनुइटी खरीद सकते हैं नहीं। आई विल रिक्वेस्ट द न्यू कमिटी टू काइंडली टेक नोट ऑफ इट फॉर टेकिंग अप एलआईसी। खमेश्वर जी आप निश्चिंत रहिए, ये कुछ लोगों की आपकी तो सिर्फ डिमांड ये है कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करते हैं तो एनुइटी आपको कम मिल रही है। अभी डिमांड ये आने लगी है क्योंकि देखिए आज की तारीख में लॉन्गेविटी बढ़ गई है। पहले 60-65 साल तक आदमी खत्म हो जाता था, अब 90 साल तक के भी लोग बैठे हुए हैं। 95 साल के एक हमारे एक दोस्त 99 ईयर्स के होके गुजरे हैं लास्ट ईयर। तो कुछ लोगों की ये डिमांड आई है अब कि साहब हमें तो हमारा पैसा वापिस करवा दीजिए, हमें कोई फायदा नहीं है, तो वो भी डिमांड है। अपार्ट फ्रॉम ये डिमांड आपकी थी हमें कम रेट मिल रहा है उसको करिए, लोगों की ये डिमांड है कि जो मेरा 21,00,000 रुपया एलआईसी में जमा है मुझे सिर्फ 8,500 रुपया एनुइटी मिलती है, 21,00,000 रुपये पे 8,500 मिलता है मुझे, तो मेरी भी ये डिमांड है कि मुझे पैसा वापस दे दीजिए, मैं अपना कहीं इन्वेस्ट करूँगा किसी चीज में भी, तो अच्छा बिल्कुल रिटर्न उससे बेटर मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली ये एनुइटी का सिस्टम नहीं है अभी, मगर इस पर कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढना पड़ेगा, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई वांट टू स्पेंड जस्ट 5-7 मिनट्स एंड ब्रिंग आउट समथिंग। फॉर द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड, आई वाज एसोसिएटेड इन इरोवा इन 2022, इट वाज ए एब्सोल्युटली न्यू एक्टिविटी फॉर मी। ड्यूरिंग 22 इलेक्शंस मिस्टर बीएन शर्मा माय सीनियर कलीग फ्रॉम एविएशन, ही आस्क्ड where is the honey in Iroha, because the election was very intense. That time I couldn't have any answer for this. Now I can answer after working 2 years extensively,
honey in Eurova is only that you get a mental satisfaction that you are working for your own colleagues and doing something good. And you remain physically and mentally active and busy, which is good for our health. We all know that remaining physically and mentally active is must for the proper health, mental and physical both. So this is highly desirable in our life. Now what is the cost of this honey? Nothing is free in this world. Cost is you spend your own time, money and energy. That's what all the people in the committee are doing. I want to appreciate Ms. Madhubala Nangia for conducting very fair and transparent elections this time. And all the best thing is, all the new team is elected unopposed. But friends, it was not an easy journey. The last date for submitting nominations was 10th of August. Till 4-5 days before that, we did not have any candidate for the position of General Secretary and President. On 7th morning, Mr. J.K. Puri is sitting here in front of us. He telephoned me and he says, if General Secretary and President position is not filled properly, Eurova will be finished. He says, I am contesting for President. You kindly accept the post of General Secretary. And this is a must. You think it over and tell me by tomorrow evening. Next day morning, I told him that I am ready to accept the post of General Secretary. And after that, we all together worked and made it unopposed election, which has happened very good thing. Now, friends, for the efficiency working of Eurova, it is necessary that we need few more younger persons. Presently, our team is older. And we want young retirees who have recently retired from India, having good equations, they should come forward and work along with us, which is the need of the hour. Now, I just want to make this team for the last 2 years has done excellent work. They have worked very sincerely. I was part of the team, so I knew it. Whether the results are directly in front of us or not, this is another thing, but at least sincere effort has been made. Now, I just want to make a few appeals. One is, member who want to contribute something, please come forward, contact us. We have an idea that we want to start something for the ladies and especially the wives of the retired officers whose husband is no more. We want to do something for that. For that, we need at least 2-3 ladies who can come forward and do something, because it is easier for a lady to talk to the other ladies. This is number one appeal. Second appeal, Mr. Uniyar, Mr. R.K. Jain has already made that more members should join. The strength of IROBF is nearly half of Eurova. That means 50% members who are members of Eurova are not members of IROBF. IROBF is only for the helping persons who are in financial distress. So I think we need to make it more active and more people should come forward. So my appeal to all of you is, who are not members of IROBF, please come forward and become member. As Mr. Ashok Gupta has already told, the fees are going to be revised from 1st October. So one full month is available. Kindly come forward. Next, when we sent the election schedule, we had sent speed post, although we had already posted on all the WhatsApp group and on the website. But the purpose behind sending a speed post message was that at least the postman will sincerely contact the address at the location. And we have given full contact details on the envelope. Kindly check the details. If there is any discrepancy, please write a mail. We have already given the office supervisor's number, Mr. Suresh Mathur. Kindly send him a mail or a WhatsApp message. And please do it if it has not been done. And please tell your other friends also from IOC retirees that they also should do the same. Now, last thing, I want to make a very important appeal, which already has been brought out also earlier, that sometimes we are not getting things from IOC as expected. IOC is like a mother nature to us. Whatever we get from IOC, IOC if remains financially healthy, then only we will continue to keep on getting our benefits. So it is our duty to see that if we have something which are not happy, we are not happy on some issues, kindly share in these meetings.
प्लीज डिस्कस, अपने मन की जो भी बड़ास है वो इन्हीं मीटिंग में निकाल दीजिए। कृपया करके व्हाट्सएप में कोई भी नास्ती मैसेज नहीं लिखिए मैनेजमेंट के अगेंस्ट, बिकॉज ऑल दीज मैसेजेस आर रीचिंग टू द आईओसी मैनेजमेंट एंड इट क्रिएट्स अ नेगेटिव सेंटीमेंट्स एंड दिस विल ओनली रिजल्ट इनटू हार्म टू द एंटायर कंपनी एज सच। सो दिस इज माई अर्नेस्ट अपील टू एवरीबडी नॉट टू पोस्ट मैसेज ऑन द वेरियस ग्रुप, प्लीज डिस्कस व्हेनेवर वी मीट लाइक दिस। दैट्स ऑल, थैंक यू। आई आस्क सुरेश गुप्ता जी टू पुट अ थैंक्स to the honorable members who have made it convenient to attend this meeting in such a large number and making it a very patient hearing. Thank you very much. And so Suresh Gupta ji, please. Before that, one request has come from Mr. Prabhakar ji, who is our senior most member, that new team should be introduced to the house. I am general secretary in the new Irawa team. Mr. Sugam Naik, he is vice president of the new team, Irawa. Our seniors, respected SAR seniors, Daniya sir, Gupta sir, Puri sir, and all ma'am and ma'am Madhu Nangiya madam, namaskar sabko. And I think we must thank the current team under Raniya sir, and जो लोग ने काफी कुछ प्रयास किया है और काफी कुछ Raniya sir and Gupta sir and बाकी सज्जन ने बताया है, and I'm sure हम लोग सारे मिलके कुछ कुछ मुद्दे हैं जो सही मुद्दे हैं और कुछ कुछ मुद्दे हैं जो बियॉन्ड द मैनेजमेंट और मे बी द गवर्नमेंट्स, एंड लगता है हम लोग पूरी साहब के अंडर जरूर इस मुद्दे को आगे लेके जाएंगे। और जो गुप्ता साहब ने जो बोला है, हम लोगों को काफ़ी संयम रखना पड़ेगा ऑन द करेंट प्रैक्टिस ऑफ सोशल मीडिया, जिससे हमको बहुत सारे चीज रखना पड़ेगा। एंड जो अनुभव मान्य पर जो बताया है LIC के ऊपर, वो तो हम लोग सबको पता है, वो सब चीज़ है, उसको कैसे करा जाए वो एक चीज़ है। बट मैं जरूर आप लोगों को बोलूँगा, सोशल मीडिया से जरूर आप मैनेजमेंट का जो भी डीसीजी उसको रखिए, बट आप जरूर अपना बैंक अकाउंट को अच्छा से अपने मुट्ठी में रखिए, साइबर फ्रॉड से बच के रहिए, डिजिटल अरेस्ट से बच के रहिए, कोई कॉल को आप बिल्कुल हाथ मत लगाइए। अगर आज आप टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ेंगे, और वो जो मैं सोच रहा था मेरे आवाज जो आज अगर जो अगर आज एक मिनट दूंगा सर आपके नहीं ठीक साइबर, क्योंकि हमारे एक कलीग बरौनी रिफाइनरी में एक चीफ जनरल मैनेजर मिस्टर प्रसाद अभी डिजिटल अरेस्ट 5-7 दिन पहले हुए, एंड ही लॉस्ट more than 1 crore rupees. He joined in a WhatsApp group and started doing trading, and he lost more than 1 crore rupees. And ये अभी का बात है, और regularly आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल जो कहता है, एक फोन कॉल कम्स विच हैज कम टू एस्टरडे टू मी एंड टू माई वाइफ, इट इज ए प्री रिकॉर्डेड मैसेज, इट सेज आई एम कॉलिंग फ्रॉम टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी, योर फोन इज वेरी मच इन यूज, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, अरे मैं पैसा दे रहा हूं तेरे क्या जाता है, मेरा ये पहला सोच था, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और बोला कि आप यू प्रेस बटन 1 इसके लिए, प्रेस बटन 2 इसके लिए। तो यही कभी कभी यही होके एक सज्जन ने शायद नोएडा में वो प्रेस कर दिया, इसके बाद उनका बहुत सारे पैसा चला गया। तो इस चीज से आप इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर एज, मेरा ख्याल में आप लोग थोड़ा ध्यान दें। मैं सोचा कि ये मौका में ये सब चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है, पुलिस से आपको कुछ फायदा बहुत ज्यादा नहीं होगा, बाकी तो हमारा सारे मुद्दा है, बट साइबर सिक्योरिटी से आप लोग सब अवगत रहिए, एंड बी केयरफुल। एंड जो गूगल पे फोन पे यूज कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसा मत रखिए, कम पैसा से यूज करिए, और कोई भी फोन कॉल आए
बच्चों से शेयर करिए। अगर भी इवन वो कह रहा है आप रोनोग्राफी देखा है, ये क्या है आपका, ये फोटो है, आजकल सब डीप फेक डिफरेंट लैंग्वेज आप सुना होगा वो सब हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच एंड वील ऑल ट्रेवल टूगेदर इन द सेम बोट एंड आई थिंक आई एम श्योर अंडर पुरी साहब गाइडेंस एंड ऑल ऑफ योर सजेशंस वी विल डेफिनेटली ट्राई टू अचीव समथिंग विद द न्यू मैनेजमेंट टेकिंग ओवर फ्रॉम टुमोरो and Rashmi madam is there and we have lot of HR seniors are there, they will definitely guide us and I was hearing about PRMS aur sabko ye dikkat hai, hum log iske bare mein zarur karya karenge with this thank you bhi samajh raha tha lekin unki baat cyber fraud ki hui. mera ek chota sa suggestion hai ki aap apne phone mein ek message save kar lijiye. Unable to take call, please send SMS or WhatsApp. अगर आपके पास कोई नंबर आता है जिसे आप नहीं पहचानते हैं या आपके सेव नहीं है उसको सिर्फ एक मैसेज वापस भेज दीजिए, वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास, अब वो SMS भेजेगा नहीं आपको, आपको शांति है, उठाइए ही मत कॉल. Again for giving this valuable tips. Now Mr. RN Mathur, he will be lesser on in the next call. Mr. Suresh Arora, he will be joint secretary. Mr. Prabhakar, he will be executive member. He is the senior most executive member presently also in the next module. Mr. Shyamlal Gauriya, he is also executive member. Mr. M.K. Sagan, he is our executive member in the present body also, new body also. Mr. Ramesh Kumar, he is a new member. Mr. Subhash Chand Arora. Now coming to Arora BF. I am the president for the Arora BF. Mr. Ashok Kumar Gupta is the vice president in the Arora BF team. Mr. K.K. Verma, he is the joint secretary. Mr. K.K. Gupsani is the joint secretary. Mr. V.P. Gupta, he is not with us in this meeting. He is going to be the treasurer. Mr. Sushil Kumar Jolly, he is the executive director. And I just want to applause for our returning officer, Madhu Nangi. Thanks a lot for reposing faith in us. Hopefully, we will be able to take up the issue that Mr. Ronnie and Mr. Gupta has left. There is no doubt about it that they are putting their best efforts and various issues, pending issues, have almost reached the final stages of finalization. It's a matter of time before management announces the decision, but unfortunately, again, today evening onwards, there is no permanent chairman. So again, I have a feeling that next 3 months, issues may again go into suspended animation, because without the chairman, such decisions is difficult to take. But as Mr. Ronier has shared with you, my information is also that a group of committee of HR professionals from oil industry, that is my information, ESFPS used, but my information is that group of HR professionals from oil industries are developing paper to be put up to ministry to
slightly modify and improve the PRMBF scheme. Now, in what form and what shape it comes, we will have to wait for it. And in the meantime, today, chairman goes, so again everything goes into a limbo. So that's all. Things at least will materialize and something will come out in the next 2-3 months. Thank you very much. And I again look forward to full support from you. I am sure during my 8 years as General Secretary, I have had excellent rapport and support from all of you. And I seek same level of support from you. Thank you very much. You can, anytime you have any issue, please feel free to talk to me. I am available, except for maybe 2-3 hours I spend on Rotary Club. Balance, I am always available. Thank you very much. I'd like to thank first of all Bhuniyar ji for conducting the meeting in a very professional and a very time-bound manner. I think we will close right at 1:30 for the lunch. And everything has gone very well. And I want to thank all the persons here sitting on the dignities on the dais. And I want to thank every one of you for coming all the way for making this meeting great success. And I want to thank Anita Madam for Master of Ceremony. And Mr. Suresh Varma and others, Mrs. Suman Mala and all other colleagues who have been helping for various activities and coordinating for making this success. Now, I will invite all of you for lunch, which is ready. Thank you. Thank you.